जय हिंद दोस्तों, मैं डेविड शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके परिवार कैरियर का। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चे आप थंबनेल देख रहे होंगे कि चुनाव का रिजल्ट आ चुका है, अब आखिरकार सरकार के सामने मेरे भाई अब दो चुनौतियां हैं और वो चुनौती है मेरे प्यारे बच्चे यूपी के अंदर एआरओ और यूपी पुलिस का एग्जाम। मेरे प्यारे साथी, जैसा कि आपने रिजल्ट देखा, ये युवाओं का रिजल्ट था और युवा मेरे बच्चे पूरी तरह से रोजगार मांग रहे हैं। तो जो योगी सरकार ने मेरे प्यारे बच्चे यूपी के एग्जामों के लिए वायदा किया था कि भाई इतने टाइम में और इस हिसाब से हम आपके पेपर को करा लेंगे, तो साथी 1 जून को लास्ट आपका चरण था एनडीएस का चुनाव का और 4 तारीख को मेरे बच्चे आपको रिजल्ट देखने को मिला। तो साथी मैं आपसे यही बात कहना चाहता हूं कि जिस हिसाब से गवर्नमेंट चुनी गई इतने कम समय में और उसका रिजल्ट आया और हो सकता है कि 8 या 9 तारीख को मेरे भाई नई सरकार के प्रधानमंत्री देखने को भी तीसरी बार आपको मिलेंगे, और युवाओं के साथ में वो चीज नजर नहीं आती है। तो साथ ही आज का मेरा जो पॉइंट है वो सिर्फ एक यही है कि री एग्जाम पर क्या असर पड़ने वाला है, जिस हिसाब से मेरे भाई यूपी ने जनादेश दिया है पूरी तरह से इस भारत के लिए कि भाई जो युवाओं के पक्ष में कार्य करेगा ना यूपी उसी के साथ खड़ी हुई है। तो अब मेरे भाई जैसे मैं आगे चलता हूं कि ये मेरे भाई ट्यून किया था ये आदित्यनाथ योगी जी ने, और साथ ही यूपी के अंदर फरवरी महीने में 2 बड़े एग्जाम हुए, दोनों ही पेपर लीक और दोनों ही मेरे भाई पेपरों के लिए कह दिया कि 6-6 महीने भाई 6 महीने के अंदर हम आपका री एग्जाम ले लेंगे। तो मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 11 फरवरी 2024 को समीक्षा अधिकारी मतलब एआरओ वाला जो एग्जाम था मेरे प्यारे बच्चे, ये यहां से ये रिमाइंड मांग रहा है कि अब टाइम हो चुका है योगी जी जो आपने हमसे वायदा किया था उस वायदा की तारीख दे दे और हम अपने एग्जाम की मेरे भाई तैयारी जो कर रखी है उसको अंतिम अंजाम दे दे। सबसे बड़ी भर्ती की यदि बात करो यूपी पुलिस की, ये भी मेरे भाई योगी जी ने साथी जिस दौरान लखनऊ के अंदर साथी पूरी तरह से आंदोलन चल रहा था यूपी पुलिस के एग्जाम को रद्द कराने के लिए, तो वहां अपने मेरे भाई युवाओं के बारे में सोचा और ये ट्यूब मेरे भाई ये जो यूपी पुलिस का पेपर है ये 17 और 18 फरवरी को साथी हुआ था और उसी दौरान ये कहा था आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर चयन के लिए आयोजित परीक्षा 2023 को निरस्त करने तथा आगामी 6 महीने के भीतर पुनः परीक्षा कराने का मेरे भाई आदेश दिए। तो अब मैं ये कहना चाहता हूं योगी जी से कि इन युवाओं ने आपको दिखा दिया है कि आखिरकार इनकी मांग को नहीं पूरा किया गया तो ये कुछ भी कर सकते, तो आप सबसे पहले इसकी डेट दें कि भाई इस तारीख को आपका पेपर होने वाला है। इस चीज से बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है क्योंकि बच्चों के अंदर ना तो वो उमंग है और ना वो उत्साह जो साथी फरवरी के महीने में जो एग्जाम हुआ था उसमें देखने को मिली थी। तो मैं यही कहूंगा सभी बच्चों से कि भाई आपका जो एग्जाम है ना वो जुलाई में देखने को मिल सकता है क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर आप देख रहे होंगे बोर्ड पूरी तरह से सचेत है इस पेपर को कराने के लिए, तरह तरह के मेरे भाई नोटिस आपके देखने के लिए मिल रहे हैं कि यहाँ पर नोडल अधिकारी को मेरे भाई नियुक्त कर दिया गया है और जिन स्कूलों में पेपर कराना है कौन कौन से स्कूल खाली है उसका भी मेरे भाई बोर्ड पूरी तरह से फायदा निभाने के लिए पूरी जी जान के साथ में कार्य कर रहा है। तो सभी साथियों से मैं एक ही बात कहूंगा कि एग्जाम आपका मेरे भाई अचानक होगा इसलिए अपनी तैयारी करते रहे और साथी मेहनत का फल आपको अवश्य मिलेगा और बहुत सारे आगामी साथी आपको परीक्षा देखने के लिए मिलेंगी। तो मेरा वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य सिर्फ एक यही था कि बच्चों ने यही कहा बोले सर क्या अनुमान है एग्जाम का, तो मेरे हिसाब से मेरे भाई अब रिजल्ट भी आ चुका है आपके चुनावों का और अब आपका एग्जाम भी देखने को मिलेगा। और ये आपका फर्ज और कर्तव्य है। आगे मेरे भाई इसी प्रकार में आपसे मिलता रहूंगा नई इन्फॉर्मेशनों के साथ। जय हिंद जय भारत।